बंद ये आतंकवाद की गंगोत्री। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नाइन टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। फेस टू फेस में आज एक बार फिर से गिरिराज सिंह केंद्र बिंदु हैं, क्योंकि अपने विवादित बयानों के चलते गिरिराज सिंह अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन इस बार जो बयान उन्होंने दिया है उस बयान से आपत्ति भी जताई जा रही है। विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है, क्योंकि देवबंद और दारुल उलूम को लेकर बीजेपी के नेता और गिरिराज सिंह कई दफा बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार गिरिराज सिंह ने हदों को पार करते हुए देवबंद पर आरोप लगाते हुए आतंकियों की तुलना गंगोत्री से कर डाली और कहा कि देवबंद आतंकियों की गंगोत्री है। अब जिस गंगा के आचमन से, गंगा के पानी के आचमन से पाप धुल जाते हों, जिस गंगा में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती हो, और आतंकी गंगोत्री कह दिया गिरिराज सिंह ने, इसी पर फेस टू फेस आज होगा। दो खास मेहमान हमारे साथ, देवेंद्र प्रमुख बीजेपी से होंगे और साजिद मौजिब होंगे, नेता माफ कीजिएगा मुस्लिम स्कॉलर हैं। ये दोनों आमना सामना करेंगे गिरिराज सिंह के इस बयान पर। केंद्रीय मंत्री के बिगड़े बोल, हदों को पार करता गिरिराज सिंह का बयान, आतंक पर ये कैसा प्रहार, देवबंद ये आतंकवाद की गंगोत्री। सुर्खियों में बने रहना कहें या फिर भाषा की मर्यादा को तोड़ना, अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से इन सब की उम्मीद लगाना गलत ही होगा, क्योंकि आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए गिरिराज सिंह ने जिस शब्द का, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने बिगड़े बोलों के जरिए इस बार गिरिराज सिंह ने देवबंद में पल रहे आतंकवाद का जिक्र कर पवित्र गंगा पर दाग लगाने की कोशिश की। क्या कहा गया है आप खुद ही उनकी मुंह ज़ुबानी सुनिए। मैंने एक बार कहा था कि ये देवबंद ये आतंकवाद की गंगोत्री। ये बयान दरअसल गिरिराज सिंह ने सहारनपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए दिया है। इस बयान के साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी हैं, चाहे हाफिज सईद ही क्यों ना हो, सबके तार यहीं से जुड़े हैं। सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज सईद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग यहीं से निकलते हैं। वही इस दौरान सीए को लेकर जारी प्रदर्शनों पर उन्होंने कहा कि बच्चों और औरतों में जहर भरा जा रहा है, और जहां जहां पर भी ये विरोधी आंदोलन चल रहे हैं वो सीए के खिलाफ नहीं, भारत के खिलाफ। फिलहाल उनका ये बयान सामने आया है, अब धीरे धीरे इस बयान पर विरोध भी सामने आएंगे। सहारनपुर से मीना चौधरी, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो देवबंद को लेकर गिरिराज सिंह ने बयान दिया, तो यूपी वाले रिजवी साहब ने भी सुर पे सुर मिलाए हैं। विवादित बयान देवबंद पर, पढ़े लिखे मुसलमानों को कट्टर बनाया जा रहा है, देवबंद में लाखों कसाब तैयार किए जा रहे हैं, देश तोड़ने के लिए देवबंदी इस्लामिक साजिश है, ये वसीम रिजवी का कहना है, शिया वक्फ के चेयरमैन उत्तर प्रदेश के। देवबंदी इस्लामिक साजिश देश को तोड़ने के लिए पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को कट्टरपंथी बना रही है। अब अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों का हिंदुस्तान के लिए अपना योगदान देना बस एक इतिहास है। अब देवबंदी विचारधारा के लाखों कसाब तैयार किए जाने की तैयारी हो रही है। पहले इस्लामिक दाढ़ी रखने वाले व्यक्ति को उसके आचरण के लिए इज्जत की निगाह से देखा जाता था, अब इस्लामिक दाढ़ी रखने वाले व्यक्ति को देखकर लोगों में डर और भय पैदा होता है, खौफ पैदा होता है। ये देवबंद जैसे मदरसों की देन है। अब गिरिराज सिंह ने बयान दिया हो और वसीम रिजवी ने उस बयान का समर्थन किया हो, सुर में सुर मिलाया हो, तो सियासत कैसे ना हो। इसमें प्रसपा और कांग्रेस ने लखनऊ से बयान दिए, क्या कहा वो भी आपको दिखा रहे हैं। सिंह जी की जो भी हैसियत है, जितनी बड़ी उनकी लीडरशिप है, उसमें बड़ा रोल उनके बयानों को लेकर के है। अक्सर वो सुर्खियों में बने रहने के लिए कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। जहां तक आतंकवादियों की बात है, आतंकवादी आतंकवादी होता है, वो सरकार में है,
और भारत की सरकार अगर आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन ले, कोई कार्रवाई करे, तो निश्चित तौर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करेगी। लेकिन धार्मिक स्थल चाहे हिंदू के हों चाहे मुसलमान के हों, उसको किसी आतंकवादी संगठन से जोड़ा जाना सरासर गलत है। हमारा भारत भाई बंधुत्व का संविधान है, और इसमें गिरिराज सिंह का इस प्रकार बोलना, वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ें, दिल्ली से लेकर के सहारनपुर के देवबंद तक 350 उलेमाओं के फांसी दी गई थी आज़ादी की लड़ाई में, जंगे आज़ादी की सुरमा पैदा करने के लिए उस देवबंद उलूम की स्थापना की गई थी, लेकिन उन्हें भारतीय इतिहास का ज्ञान नहीं, वो तो मुसोलिनी और हिटलर का इतिहास पढ़ते हैं, तो वो पढ़ें, जाने देवबंद किस लिए स्थापित हुआ था। तो आमना सामना करने के लिए तैयार हैं देवेंद्र प्रमुख जी, बीजेपी से हैं, चर्चा की शुरुआत सीधे उनसे कर रहे हैं। गिरिराज सिंह के बयान को देवेंद्र जी किस तरीके से देखते हैं? ये तो बार बार बीजेपी के नेताओं और गिरिराज सिंह द्वारा कहा गया, देवबंद हो, दारुल उलूम हो, कि आतंकियों की फैक्ट्री है, पनागाह है, लेकिन आतंकियों की गंगोत्री कह दिया, गंगोत्री से जोड़ना कैसे देखा जाए? कुलदीप जी, मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आपने बयान पूरा सुना है और देखा है, और उनका जो कहने का तरीका है रिजवी जी ने उस पर सफाई दी है, और देवबंद का जिक्र आया, हर देवबंद पर बयान आया। देखिए बड़ी बात यह है, उन्होंने जब गंगोत्री का नाम लिया है तो आज की तारीख में पूरे विश्व को आप उठाकर देखिए, भारत की बात छोड़िए, आज आतंकवाद को जो पनाह मिल रही है, पूरे विश्व में जो पनाह मिल रही है, और जिसमें भले भाले जिनकी बात करते हैं मुस्लिम समाज, उनको भी कहीं कहीं नीचा देखना पड़ रहा है, वो देवबंद जैसी जगहों से ही आ रहा है। और ये जो बयान है ना, इसका मतलब मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि देवबंद में उन्होंने कहा है कि आतंकवाद की गंगा, आतंकवाद को कुछ लोग गंगा मान चुके हैं, हाफिज जैसे लोग को पाकिस्तान जैसा देश खड़ा करके मंचों पर बयान दिलवा रहा है, और वो देवबंद से संबंध रखता हो तो गिरिराज जी ने कौन सा गलत बोल दिया, पूछना चाहता हूं मैं। उन्होंने गंगोत्री को लेकर नहीं दिया, उन्होंने आतंकवाद की गंगा बताने का काम किया देवबंद को, जिसको जिस आतंकवाद को फैलाकर वो गंगा जैसा समझते हैं, वो जगह है देवबंद, उसका बयान है ये। जी साजिद मौजिब जी, देखिए सर, सबसे पहले मैं बताऊं कि भाजपा को असल में खतरा जो है ना, ये ऐसे बरबोले नेताओं से है। ये वही गिरिराज सिंह है, इनका बयान आप 2019 में उठा कर देखिए पुराना, इन्होंने माननीय मोदी जी को भी आतंकवाद का समर्थन करने वाला बतलाया था और सेना के लिए साजिश करने वाला। तो ऐसे लोगों का मुझे नहीं लगता है कि अब देश और समाज है जो इनको तवज्जो दे रहा है। तो ऐसे नेताओं की बात पे अगर हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें अपना समय बर्बाद करना चाहिए। ये बरबोले नेता, ये कुछ भी बोलते हैं और इनके बात का कोई असर नहीं होता है, ये हमने भी देखा है, देश भी देख रहा है और समाज भी जानता है। नहीं, वसीम रिजवी भी तो सुर में सुर मिला रहे हैं ना। वसीम देखिए, उनका अपना एक इंडिविजुअल एक थॉट्स है जो उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन गिरिराज से जिस तरह से कह रहे हैं आप, तो ऐसे में तो फिर नागपुर का क्या बताइएगा, आज तक वहां पे तिरंगा नहीं फहराया गया है। आप बात कर रहे हैं देवबंद की, आप बता रहे कि वहां पे हजारों सैकड़ों आतंकवाद पैदा किया जा रहा है, कैसे आप कह सकते हैं कि आतंकवाद से जुड़े हुए लोग वहां से निकल रहे हैं? जब मैं कैसे कहा जा रहा है, देवेंद्र प्रमुख जी एक बार बताएं, हमारे यहाँ इतनी जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, और इतने बड़े आरोप यूं ही लगा देते हैं इतने बड़े नेता? देखिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कुलदीप जी, पंकज जी, देवबंद, पंकज, मेरा नाम पंकज है, सॉरी पंकज जी जी, मैं देवबंद को क्लियर करना चाहता हूँ कि देवबंद में जो है कोई छोटा मामला नहीं है। देवबंद का आप उठाकर देखिए कि देवबंद का नाम कहां कहां से, ध्रुव सक्सेना देवबंद और पड़ा है। देखिए ध्रुव सक्सेना देवबंद, देवबंद के जो जो ध्रुव सक्सेना के बारे में क्या कहेंगे, जो आईएसआई के उलेमा है करता है, वो देवबंद को हमेशा आतंकवाद के समर्थन के लिए सारा इंटेलिजेंस वहां पे, देवबंद का नाम वैसे नहीं आया के बारे में क्या कहेंगे। मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके संघ के जो देवबंद हमेशा देश के खिलाफ पकड़े गए, विधियां जितनी चलती है उनमें शामिल रहता है, और आतंकवाद कसाब से लेकर देवबंद से थे, ध्रुव सक्सेना के बारे में क्या कहेंगे बताइए, ध्रुव सक्सेना के बारे में क्या कहेंगे आप, असम में जो पकड़े गए उनके बारे में क्या बात कहेंगे बताइए आप, इस बात ठीक नहीं है। देवबंद ऐसी जगह हो चुकी है, कौन वहां से देवबंद आया बताइए, देश को बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए, ध्यान रखना, मैं वही कह रहा हूँ, क्या ध्रुव सक्सेना, ध्रुव सक्सेना जो भाजपा से है, जो संघ से जुड़ा था, उसके बारे में आप कह रहे हैं ध्रुव सक्सेना देवबंद का, ध्रुव सक्सेना देवबंद, ध्रुव सक्सेना के बारे में बताइए, क्या वो देवबंद से था, क्या वो देवबंद से था,
आतंकी कनेक्शन ही क्या आतंकी कनेक्शन होता है, आतंकी क्या कनेक्शन होता है बताइए, क्या कनेक्शन होता है जरूरी है, क्या जरूरी है बताइए, जरूरी है कि देवबंद तो पूछ रहा हूँ कि दूर सक्सेना के बारे में बताइए, संस्थाएं चल रही है नेता जो आपके नेता हमेशा हमेशा पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद हमेशा हिंदुओं की बात करते हैं, पूरे देश को पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं आप, आपकी पार्टी और आपके नेता कभी भी आप देश के विकास पर बात नहीं करते हैं, कभी भी आप शिक्षा पर बात नहीं करते हैं, कभी भी आप रोजगार पे बात नहीं करते हैं, हमेशा आप और आपके नेता हमेशा पर बोले बयान देकर देश को गुमराह करते आया, देश जानती है कि कौन लोग आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, कौन लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, देश के लोग देख रहे हैं, आपको सबक सिखाया जा रहा है, आज आज भाजपा देश के इसीलिए ये जो असली चेहरा है आपका देश जान चुकी है और आपका असली चेहरा सामने आ रहा है तो देश में आप सिमट रहे हैं, आप सिमट रहे हैं, लोग जान चुके हैं, पब्लिक जानती है, देश की जनता जानती है, क्योंकि आपके लोग जाके पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, आपके लोग जाकर वहाँ कनेक्शन बनाते हैं मोदी जी जाते हैं पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, आपके ध्रुव सक्सेना जो भाजपा आई टी खेलते हैं भाजपा का आई टी खेल देखता है उसका कनेक्शन आईएसआई से जुड़ता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे ध्रुव सक्सेना के बारे में बताइए देश को, आप लोग हैं कि वो आलू की सब्जी खरीद पूरा देश जानता है कि वहाँ क्या हो रहा है, नागपुर वाले लोग बताएंगे देश क्रम क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, आप बताइएगा देश को, अरे आप अपने पास्ट को देखिए पता चलेगा कि आपने क्या किया है, आपने कल भी गुलामी किया है, आपने कल भी देश को बेचने का काम किया है, आप कल अंग्रेजों का गुलामी करते थे, आज भी देश को बेच रहे हैं, आज भी आप बेच रहे हैं, पूरा इतिहास है, अतीत को देखिए आप जाते हैं, पूरा इतिहास है, इतिहास है कि आपने क्या किया है देश में, आपने हमेशा देश को बेचा है, हमेशा देश के लोगों को गुमराह किया, आप कल भी आप करते थे आज भी वही कर रहे हैं, कल भी आप कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं, देश जान चुकी है, ध्रुव सक्सेना जैसे लोग कहां से है वो देश जानती है, आज तक 11 लोग पकड़े गए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि देश फिर शाहीन बाग में देश बचाया जा रहा है, शाहीन बाग में संविधान बचाया जा रहा है, शाहीन बाग में आपने क्या किया, आपके लोग क्या किए, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट देख लिया आपने, आपके लोग बोलते हैं कि गोली मारे और भारतीय जनता पार्टी से इतने डरे आप लोग, आपके लोग बोलते हैं आपने लगाई लगाई और आपके आंखों ने पाकिस्तान से आपके नेता लोग और जश्न मन रहा आपकी जीत का पाकिस्तान में, यही दिखाना चाहते थे आपको, यही बताना चाहते थे आप देश को, आप लोगों ने दिल्ली नहीं दी थी, आप लोगों ने इस देश के स्वाभिमान को हराने का काम किया है, जिस तरीके से आपने ड्रामा किया है दिल्ली की जनता सब देख रही है और देश का हर पढ़ा लिखा नौजवान हर सक्रिय जनता है कि दिल्ली में कौन सा गेम खेला है, जितने चोर चोर मुसेरे भाई थे जो कभी नहीं जीत सकते थे, जो जीवन में कभी नहीं जीत सकते थे, वो दिल्ली के लिए एक हुए और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया, महाभारत के उस युद्ध की तरह तुम लड़े कि अकेले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मार दिया गया है, लेकिन इसका जवाब तुम्हें आने वाला अर्जुन बैठा है, क्योंकि अर्जुन अभी जिंदा है और तुम्हें दिल्ली का बदला जो आपने किया है उसका जरूर आपको देना है, नहीं मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, जो काम आपने दिल्ली में किया शाहीन बाग के माध्यम से, जो आपने अभिमन्यु को घेर कर किया है उसका जवाब देने का काम सारे एमपी दिल्ली में आके देश को बांटने का काम कर रहे थे, क्या मिला आपको, सबक सिखाया है देश में, आपको सबक सिखाया है दिल्ली के लोगों ने, आप सुधरिए, वक्त है सीखने का, वक्त है सुधरने का, अभी भी सुधर जाइए, अभी भी सीखिए, वरना जो आज हाल आपका है आपकी पार्टी का है पूरे देश से साफ कर दिया जाएगा, वक्त है, अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, अभी भी बार बार कह रहा हूँ, अरे औकात तो आप लोगों की नहीं है, देश ने दिखा दिया आपकी औकात, देश ने दिखा दिया आपकी औकात, देश ने दिखा दिया आप 15% लोग आप 85 हो गए, 15% मनुस्मृति की बात करने वाले सिर्फ 15% लोग है, सिर्फ 15% लोग है, 15% लोगों की बात कीजिए, 85 लोगों की बात मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिएगा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है
और हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ जिसका जिक्र आप लोग बार बार कर रहे हैं और आपने भी कहा कि चक्रव्यूह बनाकर घेर लिया और उसके बाद जवाब दिया जाएगा, ऐसे बयानात इस चुनाव के दौरान भी देखने को मिले बीजेपी के नेताओं के द्वारा। पंकज जी आप गिरिराज सिंह से पूछे रहे कि दूर से कहां से आता है, उसका उसका कौन से साल की भरपाई अभी हुई नहीं है, असम में जो 11 लोग पकड़े गए हैं जासूसी करते हुए वो कौन संस्था से थे बताइए देश को। दूसरी बात एक और है, ऐसे आरोप लगाने से अच्छा है ऐसे संस्थानों को, अगर दारुल उलूम को लेकर आप आरोप लगाते हैं कि वहां आतंकी पनते हैं, वहां पढ़े लिखे नौजवानों का माइंड वॉश होता है, वहां पर कार्रवाई कीजिए ना, उससे किसने रोका है? सरकार आपकी है, सरकार आपकी है देश में, आप कार्रवाई करके निकालिए, ये बरबोला बयान छोड़िए, देश को गुमराह करना छोड़ दीजिए, देश को गुमराह वही तो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं वहाँ पे लोग, आपके जैसे लोग हैं क्या, आपके जैसे लोग हैं क्या, जब देश पे बात आई है, जब संविधान पे बात आई है तो साइनबाग में सारे धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, सारे धर्म के लोग बैठे हुए हैं, सारे धर्म के लोग संविधान बैठा रहे हैं, जाकर बात कीजिए, क्यों नहीं बात कर रहा है, हटा दीजिए आप, हटा दीजिए सरकार आपकी है, हटा दीजिए आप, जैसे आपने डायलॉग किया, आपके मंत्री डायलॉग करने गए, क्यों बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्यों बताइए आप, क्यों बैठे हैं बताइए आप, देश को बताइए क्यों बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्यों बैठे हैं ये बताइए, क्यों बैठे हैं ये बताइए, जो ड्रामा किया है असली रूप दिखाने के लिए, आपका असली चेहरा दिखाने के लिए, देश देख रहा है, देश देश दुनिया का इंप्रेशन साइनबाग है, इतिहास पे दर्ज होगा कि जब जब आप देश को गुमराह कर रहे थे, जब देश में आप नफरत की राजनीति कर रहे थे, तो साइनबाग में लोगों ने द्वारा लाए हुए सारे बिल का विरोध किया, सारे कौम के लोग, सारे समुदाय के लोग एक साथ बैठ के आवाज उठाया, क्यों कौन है लोग, मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, संविधान बचाने वाले लोग हैं, देश को बचाने वाले लोग हैं, कौन है लोग आप बताइए, भारत की एकता को बचाने वाले लोग बैठे हैं शाहबाद में, भारत की एकता को बचाने वाले आपके लोग बयान देते हैं, आपके लोग बयान देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपके आपके अध्यक्ष मनोज तिवारी जी क्या बोला, क्या बोला बताइए, उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाइए, आप बनाइए, मैं बता दूं कि जब तक जब तक देश में ये देश है संविधान से चलेगा, ये न कभी हिंदू राष्ट्र न हिंदू राष्ट्र, आपकी औकात आपकी औकात बनाकर दिखाइए हिंदू राष्ट्र, देश संविधान से चलेगा, चलता रहा है चलेगा, मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे, भूल जाइए आप, भूल जाइए आप, मनुस्मृति लागू नहीं होने देंगे, मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलता है, चलता आया है, चलता रहेगा, इस बात का गांठ बांध लीजिए आप भूल जाइए कि देश को आप बांटिएगा, आप भूल जाइए कि नफरत की राजनीति अब करने दिया जाएगा, वो वक्त आपका गया, वक्त आपका गया, 2002 बीत गया, 2020 है, नफरत की राजनीति से कुछ नहीं होगा, नफरत की राजनीति से कुछ नहीं होगा, शाहीन बाग से कोई फायदा हुआ नहीं किसी को, जिसको फायदा हुआ वो फायदा हुआ है नहीं, वो फायदा ले गया पार्टी को हुआ नहीं, पूरा प्लान था ठीक है, अरे उसके लोग गोली चलाते हैं, प्लान था उसके लोग ड्रामा करते हैं, हमने तो किसी को आने नहीं दिया, शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं, जो कोई बैठे हैं उनसे जाकर, अरे जो तुम्हारे साथ आना नहीं चाहते थे, आप क्यों नहीं गए, कांग्रेस जैसी पार्टी क्यों नहीं गए, अरे आपको मना किया गया, आपको मना किया गया, हम देश के खिलाफ नहीं जा सकते, मोदी जी, मोदी जी को महिलाओं की फिक्र थी, लेकिन संविधान को नहीं टूटने देंगे, यही मोदी जी, यही मोदी जी बयान देते थे, हम हमेशा लड़ते हैं, मुस्लिम महिलाओं की फिक्र कहां गया, वो फिक्र कहां गया, वो फिक्र बताइए आप, मोदी जी को बहुत फिक्र था मुस्लिम महिलाओं की, आज हजारों की तादाद में, आज हजारों की तादाद में शाहीनबाग में मुस्लिम महिलाएं बैठी हैं, कहां गया मोदी जी से पूछिए, कहां गया वो फिक्र, फिक्र कहां गया, मोदी जी को भेजिए वहां डायलॉग करने के लिए, अमित शाह को भेजिए, आपने हमेशा तोड़ने का काम किया है देश को, आपने हमेशा तोड़ने का काम किया देश को, अब नहीं चलेगा ये, अब संकल्प है, बंद कीजिए, इस चीज को भूल जाइए कि आपकी गंदी राजनीति का शिकार अब यह देश होगा, आपकी गंदी राजनीति, नफरत की राजनीति का जमाना गया, छिपे आतंकियों को कब निकाल रहे हैं बाहर आप, और कैसे निकाल रहे हैं, देखिए पंकज जी आपने बोल दिया, मान लिया, आप कब कब बिलों से बाहर निकाल रहे हैं, हम आपको क्लियर करने, जनता को करिए, हमें क्या करिए, जनता को करिए, सुनिए, जैसे हमने कश्मीर से
एक एक आतंकवादी को ढूंढ ढूंढ चुन चुन कर मारा है और शांति कराने का काम किया है। हमला ये ऐसा ही काम जवानों को गोली एजेंसियां उन पे बल चलाते हैं काम और देश की बात और निश्चित उस कनेक्शन को निकालने का काम करेंगी अपने पूरे राज्य को बंधक बना दिया देश में फैला हुआ है। आप बात करते जो देवबंद से देश में फैला हुआ है जो घटनाएं देश में बताइए नोटबंदी से कभी नहीं होना चाहिए अगर अगर इस बात देश में देखा रहा देश में देखा कि क्या हुआ होना चाहिए क्या हुआ देश देख रहा सपोर्ट रही आप खुद ही आतंकी हमला कराइए आतंकी हमला कराइए चुनाव जीतने के लिए और उसके बाद रोना रोइए और टेररिज्म खत्म नहीं हो रहा है। आप बोलिए ना कि टेररिज्म के पीछे आपका हाथ है आप ही टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले हैं आप ही टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले हैं। आज देश जानता है पुलवामा हमला किसने कराया ये आप लोगों की साजिश थी। इसीलिए तो आप लोगों की भक्ति पर देश के जवानों को अपने फायदे के लिए आप बुद्धिजीवी लोग आपको कह रहे हैं कि मुस्लिम की मानसिकता खत्म हो गई देश के जवानों को मुस्लिम की मानसिकता खत्म कर दी आप जैसे पढ़ो लिखो ने मुसलमान को कलकुट करने से खड़ा कर दिया कि उसको बताना पड़ता है कि उसकी दाढ़ी सेफ है या नहीं है देश जानता है भूल जाइए ये जो आपने कहा ना आपका गया ये बड़ी बात कही आपका जमाना गया आप जो है हमारे सैनिकों पर हमारी सरकार का वो लगा रहे हैं आरोप इसीलिए तो आपने सत्तानाश कर लिया पूरे मुस्लिम समाज का अब नहीं चलेगा इसीलिए तो आपने सत्ता भी बना दी है इसीलिए तो आप लोग को सब नजर से देखने लगे ये गलत है आप पूरे भाजपा ये गलत है देखिए ये गलत है आपने हमेशा सेना पर सवाल उठाए साजिद मोदी एक सवाल आपसे मेरा है मिलकर इस देश की कमर तोड़ना चाहते हैं आप सेना को कमजोर करना चाहते हैं आपसे भी एक सवाल मेरा है प्लीज देवेंद्र जी एक सवाल का जवाब ले लें एक सवाल का जवाब ले लेते हैं मोदी आपसे भी एक सवाल मेरा है क्यों दारुल उलूम को लेकर बार बार इस तरह के आरोप लगते हैं और कई बार ऐसे लोग जिन्हें कह सकते हैं अराजक लोग ऐसी जगहों से निकाले जाते हैं कई बार गिरफ्तारियां हुई उन पर कार्रवाइयां भी हुई ये देवबंद और दारुल उलूम को लेकर ही क्यों हमेशा प्रश्न चिन्ह लगता है क्या वाकई में कुछ व्यवस्था में गड़बड़ है या फिर क्योंकि लोग निकले हैं इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं कार्रवाइयां हुई हैं कई बार देखिए देखिए पंकज जी तार जुड़े हुए दिखे हैं कई बार तार किसकी है देश में ये बताइए भाजपा की है अगर वहां से कोई कनेक्शन है वहां से अगर आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं तो आप कार्रवाई कीजिए आप उन चेहरों को निकालिए लेकिन मैं बताऊं कि गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे नेताओं का कोई अहमियत नहीं है कोई नहीं उन्हें अहमियत देता आपके बयान बरबोले बयान आपने क्या बोला अभी बरबोले बयान उन्होंने हमेशा दिया क्या बोला आपने मैं गिरिराज सिंह को बोलना चाहता हूं अगर वहां पर आतंकवादी पैदा किया जा रहा है तो आप बंद कराइए ना आप जाइए आप ऐसे चेहरों को निकालिए उस पर कार्रवाई कीजिए लेकिन आप नहीं करेंगे आप नहीं करेंगे क्योंकि आपने हमेशा देश को गुमराह किया आपने हमेशा देश को गुमराह किया अब तो समझिए अब तो सीखिए रिजल्ट आपके सामने है आपके रिजल्ट आपके सामने है देवेंद्र प्रमुख जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए साजिद मौजिब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए तो बड़े बड़े आतंकियों के तार गंगोत्री से जुड़े हैं ये कहा गिरिराज सिंह ने यानी कि आतंकवाद में गंगोत्री को जोड़ दिया गिरिराज के बयान पर अब सियासत गरमाई हुई है जवाब लिया जा रहा है लेकिन जवाब देगा कौन देवबंद ये आतंकवाद की गंगोत्री है।